हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आखिर वो समय आ ही गया, आपके एग्जाम जो है कल से स्टार्ट हो रहे। कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है कल है, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम 22 23 को है। इनके लिए भी जो है कुछ खास समय नहीं बचे। देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम में आपको जो है खुद की कैपेबिलिटी शो करना है, खुद की मंजिल तय करना है। इसके आगे आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं रहने वाला है, आपको जो आपका फ्यूचर जो है खुद ही डिसाइड करना है। देखो स्टूडेंट्स, कॉलेज जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये एग्जाम जो है आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। तो इस एग्जाम में आपको जितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है तो उतना बेस्ट दीजिए। हमसे जितना हो सकता था लास्ट 2 मंथ्स में, लास्ट 30 डे स्ट्रेटजीज, लास्ट 10 डे स्ट्रेटजीज, आपको जितने ज़्यादा हो सकते थे नोट्स, PDF सारा प्रोवाइड किए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, PYQ सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, जितना ज़्यादा टेस्ट अरेंज कर सकते थे हम लोग ने किया। हमसे जितना बेस्ट हो सकता था हमने दिया। आपने भी जो है हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया। इस लास्ट 2 मंथ में जो है एक हमारा तुम्हारा एक कनेक्शन बना हुआ है और ये कनेक्शन जो है हमेशा के लिए रहने वाला है। और हमारी जो जर्नी है वो एंड नहीं होने वाली, जर्नी इज नॉट गोइंग टू एंड। हमारी जो जर्नी है एग्जाम के बाद भी चलने वाली है, और जब कॉलेज में जाओगे तभी भी हमारी जर्नी जो है चलते ही रहने वाली है। तब भी आप हमको जो है एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिस दिन आपका अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन आप नहीं, उससे कई ज़्यादा गुना आपके पेरेंट्स खुश होंगे। अगर आपको आपके पेरेंट्स को खुश देखना है तो आपको जो है इस एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट देना है। आपके जो पेरेंट्स हैं जो 10 12 साल से जितना भी स्ट्रगल करते आ रहे, अगर आपको वो सारे स्ट्रगल को एक स्माइल में बदलना है तो आपके लिए बेस्ट मौका है। आप ये कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके एग्जाम देने जाना है। आपको सिर्फ अपने माइंड में ये रखना है कि हाँ 100% मैं अपना एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर करूंगा। और एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप रखोगे, नेचर खुद ही आपको सपोर्ट करेगा कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा ही जाए। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो आपका एग्जाम जो है 100% अच्छा ही जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स तो कवर करेंगे कि आपको जो है कम समय में जो है क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान देने और जो जो मिस्टेक्स है जो कि अवॉइड करना है एग्जाम के दिन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी भी मैंने आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया है। तो देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, भले 1 मिनट ज़्यादा दे दो वो सबको, लेकिन राइट आंसर ही निकाल के आओ और राइट आंसर ही अटेम्प्ट करके आओ। सेकेंड जो मिस्टेक है, यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं, यूनिट कन्वर्जन भी अच्छे से करो। और थर्ड जो पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दो, देखो कि 30 मिनट्स में जो है आपके 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऐसे ही आप अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली जो है बढ़ा सकते हो। 50 मिनट्स 60 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स 60 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 90 मिनट्स तक आपके जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। ऐसा टाइम मैनेजमेंट रखो, और जैसे ही आपका टाइम जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो आपकी उतनी भी स्पीड बढ़ते रहनी चाहिए, तभी आप जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूज़ करेक्ट फार्मूला। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फार्मूला रॉन्ग यूज़ करते और उसमें वैल्यूज पुट करते, और ये मिस्टेक जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, करेक्ट फार्मूला ही यूज़ करके आपको जो है वैल्यूज़ को पुट करना है और करेक्ट आंसर चूज करके आना है। अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें जो कि आपको अभी रिवीजन एज अ रिवीजन करना है तो आप किस पे करोगे, तो सबसे पहले जो है नेम रिएक्शंस अच्छे से कर लो केमिस्ट्री के लिए। सेकेंड जो है फिजिक्स की जो जो फार्मूला शीट्स आपने प्रिपेयर की होगी, आपको जो PDF मिला होगा तो वो फार्मूला शीट्स को ध्यान में रखो, और जितने भी फॉर्मूले से सारे ध्यान में रखो, वो सारे फॉर्मूले से आपको काम आने वाले। और मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैथ्स में हर एक चैप्टर के पीछे आपको सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट दी हुई है टेक्स्ट बुक में। फॉर्मूलेस को देखो, अब कोई भी सम को देखने का समय नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस को लर्न करो। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सारे रिवाइज करो, इंटीग्रेशन डेरिवेशन सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करो, और सारे टेक्स्ट बुक में आपको सारे फॉर्मूलेस देखने को मिलेंगे और उसी में से आपको जो है एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, क्विक रिवीजन इन 10 मिनट्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF की लिंक मिलेगी, और अगर आप PDF ओपन करोगे तो क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। सारे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के लिए जो जो फॉर्मूलेस है सब आपको PDF में देखने को मिलेगा। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो आप PDF को गो थ्रू कीजिए। 8 8 पेजेस का PDF है, 5 मिनट में आपका पूरा वो 8 पेजेस जो है वो कवर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट आपको याद रह जाएंगे, और बहुत यूजफुल PDF है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। और एग्जाम के लिए जो है ऑल द बेस्ट, पूरे राइजिंग एजुकेशन ग्रुप की तरफ से जो है आपको ऑल द बेस्ट। आप जो है मुझे पता है 100% आप अपना बेस्ट देने ही वाले हो और अपने पेरेंट्स को भी जो है खुश करने ही वाले हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।